हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज इस वीडियो में हम देखेंगे सोर्स स्टैंड के बारे में फ्रेंड्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोर्स स्टैंड का प्रिंसिपल क्या है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मेस्टर साइकिल द सेक्स हार्मोन्स कोज कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस इन वेजेनल एफिथीलियम फ्रेंड्स कुछ सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वेजनल एपिथीलियल में कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस दर्शाते हैं उस कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सोर्स स्टैंड का यूज करते हैं ये सोर्स स्टैंड क्या करती हैं द सिचुएशन कैन बी इविटेड विद द एड ऑफ स्टैंड वेजेनल स्मेयर इविलेट कर सकते हैं vaginal, जो स्टैंड होता है उसमें डालने के लिए वेजेनल स्मेयर को The सॉर्स is used for hormonal हारमोनल diagnosis साइटो diagnosis के लिए सॉर्स system का आम तौर पर use करते हैं आप friends देखते हैं sample कैसे collect करते हैं गायनोकोलॉजिकल स्मेयर फ्रॉम सर्विक्स एरिया सर्विक्स एरिया से हम गायनोकोलॉजिकल स्मेयर बनाएंगे वहाँ से सैंपल को क्लेक्ट करते हैं कौन सा एरिया है सर्विक्स एरिया अब फ्रेंड्स देखते हैं फिक्सेशन फिकसेशन करते हैं इसके लिए वेट फिक्सेशन इमिडिएटली फ्रेंड्स जैसा कि हमने पिछड़े वीडियो में देखा था फिक्सेशन टू टाइप्स के होते हैं ड्राई फिक्सेशन होता है एड वेट फिक्सेशन होता है ड्राई फिक्सेशन जैसे जिमसा इस्टोर में करते हैं जिमसा इस्टैन में और वेट फिक्सेशन में नाइन्टी फाइव परसेंट इथोनॉल इथेनॉल में हम जो सर्विक एरिया से सैंपल से कलेक्ट करते हैं इसमेर बनाते हैं इसके अंदर डिप कर लेते हैं इमीडिएटली अब फ्रेंड्स देखते हैं मेथड ऑफ सॉर्स स्टैन स्टैंड इन सोर्स स्टैंडिंग सॉल्यूशन सोर्स स्टैंडिंग सॉल्यूशन होता है वो पूरी स्लाइड पे वन से थ्री मिनट के लिए प्योर मतलब डाल लेते हैं वन से थ्री मिनट होने के बाद फ्रेंड्स सेकेंड स्टेप होता है इस स्टैंड का रिन्स इन सेवेंटी परसेंट इथेनॉल सेवेंटी परसेंट इथेनॉल से फ्रेंड्स टेन स्टेप करेंगे टेन स्टेप होता है वन वन सेकेंड के समय के अंतराल में टेन स्टेप दर्शाएंगे थर्ड नंबर पे है फ्रेंड्स रीन्स इन 80 परसेंट इथेनॉल इसके भी 10 स्टेप करेंगे वन वन सेकेंड से देन फ्रेंड्स रीन्स इन 96 परसेंट इथेनॉल इसके भी 10 स्टेप करते हैं वन वन सेकेंड के लिए देन 100 रीन्स इन 100 परसेंट इथेनॉल 10 स्टेप करते हैं इसके वन वन सेकेंड के लिए फिर करते हैं क्लियरिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं ग्रीन सोल्यूशन फॉर 30 सेकेंड के लिए एंड माउंटिंग मीडिया के तौर पर यूज करते हैं आमतौर पर डी पी एक्स डेक्सटिन ये यूज करते हैं अब फ्रेंड्स देखते हैं रिजल्ट कैसा मतलब किस तरह से ऑब्जर्व होगी स्लाइड स्टैंड होने के बाद में माइक्रोस्कोप के थ्रू में साइनोफ्लिक एंड बेसोफ्लिक यानी साइनोफ्लिक को बेसोफ्लिक बोलते हैं और इोसिनोफ्लिक या एसिडोफ्लिक दो तो दो तो तरह की शैल दिखाई देंगे साइनोफ्लिक होती वो ब्रीन ब्लू ग्रीन कलर की दिखेगी जो यूसिनोफ्लिक या एसिडोफ्लिक सेल्स होती वो ब्राइट रेड कलर की ऑब्जर्व होगी देन फ्रेंड्स जो न्यूक्लियस होगा या न्यूक्लियर होगा वो ब्राउनिश रेड कलर का ऑब्जर्व होगा स्टैंड तो आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म में साइनोफ्लिक यूसिनोफ्लिक टू टाइप्स की है साइनोफ्लिको बेसोफ्लिक यानोफ्लिको यूसीनो, एसिडोफ्लिक बेसोफिलिक होती है ब्लू कलर की और एसिडोफिलिक होती है ब्राइट रेड कलर की न्यूक्लियर होती है वो ब्राउनिस रेड कलर की शो होगी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो